आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़िम के साथ सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको जो से मज़ेदार कुकिंग रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है कढ़ाही गोश्त और हम आज जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है गोश्त की कढ़ाई। इससे पहले हम लोगों ने चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर की हुई, अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो अब चलते अपनी रेसिपी की तरफ और मम्मा से जानते हैं कि रेसिपी जो सी कढ़ाई गोश्त की है वो किस तरह तैयार होगी। जी मम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दो बड़े बड़े प्याज ले लिए और इसमें मैंने ना तेल डाल दिया। अब मैं ना इन्हें ना पकने के लिए रख देती हूँ ब्राउन करने तरीके से। मतलब आपका मतलब कि जो प्याज आपने हाँ लिए इसका आपने मसाला तैयार? हाँ जी मसाला, वो क्योंकि ये गोश्त गलते टाइम लगना ना, पहले उसे मसाले को करके ना थोड़े से प्याजों को गला के मतलब ब्राउन करके ना हल्के से फिर ये गोश्त डाल दूंगी ना, गोश्त भी हो जाएगा साथ ही प्याज भी गल जाएंगे। ठीक है, मतलब प्याजों को फिलहाल हम लोगों ने लाइट ब्राउन करना है। हाँ जी मैं ग्राइंड नहीं ना कर रही। हाँ वो ग्राइंड करके पहले तो ये ना कि मतलब ये ना इसे भी तो टाइम लगना ना गोश्त को गलते वक्त, तो प्याज भी गल जाएंगे ये भी गल जाएंगे दोनों साथ ही। मतलब अभी आप गोश्त भी डाल देंगे इसके? नहीं नहीं वो ब्राउन करूंगी ना हल्के हल्के से, पहले ब्राउन करेंगे। ठीक है। अच्छा ये दही है एक पाव, ये मैंने तीन टमाटर लिए, ये हरी मिर्च अदरक धनिया ये मैंने काट लिया है, ये एक पैकेट लिया, एक पैकेट मैंने लिया है इसका। ठीक है, ये आधा चम्मच दादरी मिर्च का, आधा चम्मच पीसी हुई मिर्च का, एक चम्मच यानी कि नमक का, आधा चम्मच हल्दी का, ये एक किलो गोश्त है, एक किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ठीक है, तो व्यूअर ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो से हम लोग अपनी कढ़ाही गोश्त की रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो से हैं वो प्याज उनको तैयार करना है, उनको करना है ब्राउन। तो हमने अपनी रेसिपी को कर लिया है शुरू। तो आप लोगों ने व्यूअर्स कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना, देखना मज़ेदार से जो से गोश्त की कढ़ाई हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और देखना कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है ये, उसके ऊपर नींबू निचोड़ के या नान के साथ आप खाएँ तो याद करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स प्याज जो से ब्राउन होने की आवाज़ मतलब जो घी में छोड़ छोड़ करने की आवाज़ है वो तो आप सुन सक रहे हैं क्योंकि अभी प्याजों को हम लोगों ने घी में डाला है, तो अभी लगेगा थोड़ा टाइम, तो अभी आपको करना पड़ेगा वेट और फिर आपको ये लहसुन टमाटर गोश्त ये सब तीनों चीज़ें ना मैंने इकट्ठी डाल दी हैं। अब मैंने इन्हें भून दी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने प्याजों को सिर्फ लाइट से कलर दिया, उसके बाद मम्मा ने जो से इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है, गोश्त है, इन सब चीज़ों को इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छे से भुनेंगे और फिर मम्मा इसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे, मतलब पानी डाल कर। हाँ जी ठीक है, मैंने इन्हें ना बस भूनते क्योंकि गोश्त में स्मेल होती है ना, इस वजह से भी भूनना पड़ता है, फिर बाद में फिर भूनूंगी ना इसमें। ठीक है, क्योंकि अब लहसुन अदरक वगैरह डाला ना पेस्ट, इसलिए भी भूनना है इसे। अब भूनती हूँ अच्छी तरह, देख ले कलर चेंज होना शुरू हो गया जिससे मम्मा ने इसको भूनना शुरू किया है ना, तो खुशबू भी आना शुरू हो गया, जो कलर है गोश्त का वो भी चेंज हो गया। हाँ जी, जो ये वाला मसाला भी मैंने पैकेट का नहीं डाला, ये डाल देती हूँ क्योंकि ये ना रोटियों में ना रस जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा स्पाइस जो हम ऐड कर रहे हैं वो बाद में डालूंगी। अब मैं ये डाल के ना 5 मिनट भूनती हूँ, फिर दही डाल के ना थोड़ा सा पानी डाल के ना पकने रख दूंगी, फिर उसके बाद वो पैकेट भी बाद में डाल देंगे। अब मैं दही फेंट के ना वो भी डाल देती हूँ उसमें, दही भी डाल दी। ठीक है, अब मैं इसे ना भून के ना पानी डाल के ना, और ये प्याज सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, आने लग गई है और थिकनेस भी होगी, दही की भी डाली है मम्मा ने, इसके अंदर टमाटर भी शामिल किए हैं। तो अब मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं, घर का मसाला भी डाल दिया, पैकेट का मसाला बाद में डालूंगी मैं जब फिर भुनूंगी इसे, मतलब दो बार आपने भुनाई करनी है सर, तो जिसकी दो बार भुनाई की जाएगी वो आप सोच लें व्यूअर्स कि वो कितनी अच्छी बनेगी। जब आप इंसान के दो बार पटाई करेंगे वो सीधा हो सकता है, जब आप रेसिपी की दो बार बनाई करेंगे तो ये कितनी अच्छी बनेगी, बस गोश्त डाल जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको उठा के पकने के लिए रख रहे हैं और फिर अपने व्यूअर्स को दोबारा आ जाए ना इसे। ठीक है, तो व्यूअर्स हम लोग इसको एक उबाला दिलाने के बाद हम लोग इसको ढक कर पकने के लिए रख देना है जब तक गोश्त नहीं गल जाएगा, प्याज भी गल जाएंगे गोश्त भी गल जाएगा।
तो फिर इसे भून लेंगे, फिर इसको भून लेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं वेट और फिर आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना। देखना मज़ेदार से जो सी गोश्त की कढ़ाई है आज हम कुकिंग विद नाज़िम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो कैसे तैयार हो। जी तो व्यूवर्स, अब जो सा हम लोगों ने गोश्त है वो पकने के लिए रखा हुआ था, इसको हम लोगों ने पहले दिलाया था एक उबाला, तो सब कुछ मम्मा के अंदर शामिल कर दिया, गोश्त भी, प्याज भी, टमाटर भी, तो अभी दही भी और पानी अभी इसके अंदर ज़्यादा है, तो इसको पानी को भी रिड्यूस करना है ना हम लोगों ने। गोश्त भी नहीं अभी गला, गोश्त भी नहीं गला, तो थोड़ा सा इसको मज़ीद टाइम लगेगा, इसको देते हैं थोड़ा टाइम और आपको दोबारा दिखाते हैं। पानी कुछ कर रहे हैं, ये मैं पैकेट भी डाल दिया मसाले का, तो ना अब भूनते हैं इसे। अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर भूनते हैं। हाँ जी, अब भूनेंगे तो वो घी आ जाएगा, फिर हमारी हांडी तैयार हो जाएगी कढ़ाई गोश्त। मतलब फिर घी आ जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब फाइनल हो जाएगी वो। हाँ जी, ये बबल्स भी बन रहे हैं और ये उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। हाँ जी, वो पानी है ना थोड़ा सा, भी घी भी आ जाएगा, भून रही हूँ ना मैं इसे। क्यों हंसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं, वो छींटा पड़ा है ना इसके लिए हंसी आ रही है ना। हाँ जी, वो छींटा पड़ा है मेरे। चलो ऐसे होता ही है खानों की बातें, ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। अब इसे अच्छी तरह ना भूनते हैं, भून के फिर आपको दिखाते हैं। फिर लोग मैं मिर्चें वगैरह भी डालूंगी, अदरक वगैरह भी। ठीक है, हम लोग अब मैं ना इसमें हरी मिर्चें, तो ये उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं ना ये उछल उछल के बाहर आ रहा है, और ये मतलब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सी रेसिपी है तैयार हो गई है, अब इसको बस करें पकाना, इसको और मत पकाएं, है ना मम्मा? ये मतलब पता है जब उछल 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 के बाहर आ रहा होता है तो घी भी आ जाए तो फिर होती है बिल्कुल, मतलब आप ये देखें ज़रा घी भी आ गया, कितनी प्यारी मतलब इसकी लुक भी है और खुशबू तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा आ रही है। ऊपर से मम्मा ने जो धनिया हरी मिर्च और अदरक डाल के इसे गार्निश किया है ना, क्या सुबहानल्ला सुबहानल्ला, चार चांद लगा दिए मम्मा ने कढ़ाई गोश्त की रेसिपी में। तो मम्मा ये अभी बिल्कुल फाइनल है कि मज़ीद इसको थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्चें वगैरह डाली हैं तो हम लोग इसको मज़ीद और भूनेंगे अच्छे से, और फिर जो घी आ जाएगा इसका मतलब कौन सी हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल फाइनल हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है व्यूवर्स, ये हमारी जो सी रेसिपी तैयार हो गई है, इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह घी भी आ गया, और देखें ये मसाला कितना प्यारा है, प्याज ज़रा नहीं मतलब अलग से नहीं, ये नहीं कि प्याज अलग हो और आपके जो से गोश्त है वो अलग हो। ये देखिए माशाल्लाह, तो अब मम्मा इसको कर रहे हैं डेकोरेट। यम्मी माशाल्लाह, देखिए हमारी कढ़ाई कितनी प्यारी बनी, आप बनाएं ज़रूर, ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, और नींबू निचोड़ के आप खाएं। अगर जायका भी अच्छा हो लेकिन दिखने में अगर अच्छी है तो मतलब आपका फिर दिल करता है कि आप उसको ज़रूर टेस्ट करें। तो व्यूवर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक, यमी यमी टेस्टी टेस्टी, जो हम लोगों ने गोश्त की कढ़ाई आप लोगों के साथ शेयर की है, तैयार हो गई है। ये देखें इसकी इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है ना कि क्या ही कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहानल्लाह लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त बहुत उम्दा, कि जो गोश्त है वो भी गल गया है, घी की जो तरी है वो भी आ गई है, और धनिया हरी मिर्च पुदीना ओ सॉरी धनिया हरी मिर्च और अदरक डाल के मम्मा ने इसको गार्निश किया है। उसके बाद मम्मा ने इसके ऊपर जो से हैं वो नींबू रख दिए, मतलब इसको करें सुक्वीज, और मज़ेदार सा जो सा कढ़ाई का सालन है, इसको आप नान के साथ सर्व करें चाहे रोटी के साथ करें, गर्मा गर्म सर्व करें और अपने खाने वालों को अपना गुरविदा बना लें। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़िम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो टाइमली मिलते रहें। तो व्यूवर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और इस कढ़ाई को बना के इंजॉय करें, हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह हाफिज़।